गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट SST का पॉलिटिकल साइंस, जिसे हम कहते हैं राजनीति विज्ञान, जो चैप्टर नंबर 2 है। नई बुक में तो ये चैप्टर नंबर 1 है आपका, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। आज हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं और हमें लोकतंत्र शासनी क्यों चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी लोकतंत्र की डेफिनेशन देखेंगे, जैसे लोकतंत्र किसे कहते हैं कि लोकतंत्र क्या है। जैसे अगर पहला हमारा टॉपिक है, जैसे ये हमें दिखाई देता है कि लोकतंत्र क्या, कि पिछले अध्याय में तुमने बहुत से अध्याय में भी और पिछली कक्षा में तुमने शासन प्रणाली के बारे में पढ़ा है कि कौन सी शासन प्रणाली अच्छी है, कौन सी किस प्रकार से है। तो जैसे लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें, अब हम देखेंगे लोकतंत्र है क्या। वैसे लोकतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिया के लैटिन जो वर्ड है, डेमोक्रेटिया एक ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, जो डोमास मीन्स होता है पीपल और क्रेटिया मीन्स होता है आपका रूलर, शासक, अर्थात जनता का जो शासन होता है वही लोकतंत्र है। जैसे इसकी डेफिनेशन देखेंगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे एक सरल परिभाषा अगर देखते हैं, आपकी टेक्स्ट में लिखा है एक सरल परिभाषा, तो सर्वप्रथम देखते हैं लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ये इसकी एक तरह से, ये इसकी परिभाषा है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट जो है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है। लोकतंत्र हम उसे कहते हैं यह शासन का वह रूप होता है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करती है, जनता करती है। हमारे लोकतंत्र की परिभाषा को समझने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जहां जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा जो निर्वाचित होता है उसे हम लोकतंत्र शासन प्रणाली कहते हैं। ये उसने परिभाषा दी है लोकतंत्र की। अगर लोकतंत्र की हम विशेषता देखते हैं सबसे पहले कि लोकतंत्र की विशेषता क्या, किसे कहते हैं लोकतंत्र। तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासक को चुनाव करती है, यानी जनता के पास में पावर्स होती है, शक्ति होती है जो शासकों का चुनाव करती है। शासक मतलब जैसे आज हमारे MLA है, MP है, पार्षद है ना, और इन MLA MP से ही हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये कौन चुनती है, जनता। तो इसकी अगर हम विशेषता देखते हैं, नंबर 1 है, इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है। किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके लिए अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है, कि अधिकारी कैसे होते हैं, चुना हुआ होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। दूसरा है, किसी तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी शर्त है जिसे हम लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे। कौन लोग शासकों चुन सकते हैं, चुन कौन सकते हैं, जो वयस्क है, जिसको मत देने का अधिकार है, वयस्क मताधिकार के आधार पर वे उनको चुन सकते हैं। सरकार के किस रूप को लोकतांत्रिक कहेंगे, सरकार के उस रूप को लोकतांत्रिक कहेंगे जहां पर जनता अपने शासक को चुनती है, उसको हम लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में, जैसे लोकतांत्रिक की विशेषता नंबर 1 है, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। अगर लोकतंत्र की हम विशेषता पढ़ते हैं तो ये हमारे लोकतांत्रिक देश की कुछ विशेषता नंबर 1 है,
प्रमुख जो फैसले हैं वे चुने हुए नेताओं के द्वारा लिए जाते हैं। जैसे अगर हमने हमारी विधानसभा में हमारे विधायक को चुना है तो हमारे विधायक के द्वारा विधानसभा में हमारे जो आवश्यक कार्य हैं उनको उठाए जाते हैं, हमारी समस्या को उठाया जाता है और उनके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे देखते हैं कि निर्वाचित नेताओं द्वारा कैसे फैसले जाते हैं। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, किसका, पाकिस्तान का लेते हैं कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक को तख्तापलट किया। अर्थात अगर हम पाकिस्तान का एक उदाहरण लेते हैं तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिकों के द्वारा तख्ता पलटकर वह निर्वाचित सरकार को बदल दिया और स्वयं मुख्य कार्यकारी बन गया और बाद में खुद राष्ट्रपति बन गया और 2002 में एक जनमत संग्रह भी कराया जिसने 5 साल के लिए स्वयं चुना गया। तो वहाँ की जनता ने कहा कि ये धोखाबाजी है, धोखे से चुना गया है, ये जनता को झूठ बोलकर जीता या गड़बड़ी की है। लेकिन फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया। उस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में क्या था कि संविधान में कुछ बदल दी गई, संविधान में कुछ उसने अमेंडमेंट कर दिए। क्या क्या कि मंत्रिपरिषद के कामकाज एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी में रहेगा। अर्थात मंत्रिपरिषद तो होगी, चुनाव तो होंगे, जनता उनको चुनेगी, लेकिन वे चुनी हुई जो परिषद है वे किसके अंडर होगी, वे एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी में रहेगी। और राष्ट्रीय सुरक्षा निगरानी के जो सदस्य होंगे वे ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चुने हुए प्रतिनिधि भी फोर्स के अंडर में रहे, अर्थात उनको कोई स्वयं का निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। इसके कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्र की और प्रांतीय असेंबली के चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव हुए और चुने हुए प्रतिनिधि को कुछ भी अधिकार भी मिले, कुछ अधिकार ही मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारों अर्थात जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर प्रांतीय असेंबली और राष्ट्रीय असेंबली के चुनाव हुए, जनता ने वोटिंग की, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधीन होने के कारण वे चुने हुए प्रतिनिधियों के पास भी कोई पावर्स नहीं थी। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपने शासकों को चुनाव जनता किया लेकिन फिर भी उसके अधिकार नहीं थे। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान की जो शासन व्यवस्था ऐसी उसको हम लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकते। दूसरी विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। कि लोकतांत्रिक सरकार की एक ये विशेषता है कि वहाँ पर जो चुनाव होगा वह स्वतंत्र होगा, निष्पक्ष होगा, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं वे सब जनता के लिए समान है। जनता या सरकार है किसी का भी कोई भी पक्ष नहीं लेगी, पक्ष यानी कि नहीं लेगी, उनके लिए सभी उम्मीदवार समान है। जैसे अगर देखते हैं 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनाव होते। जैसे हमारा भारत देश पहले गुलाम था अंग्रेजों का 1947 तक, ऐसे मैक्सिको भी गुलाम था और 1930 में मैक्सिको आज़ाद हुआ। कब हुआ मैक्सिको? मैक्सिको सन 1930 में आज़ाद हुआ था। उसके बाद में वहाँ पर राष्ट्रपति कह रहा कि वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए गए और देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं रहा। अर्थात मैक्सिमो में फौजी शासन और तानाशाही नहीं रहा, वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि सन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की पार्टी को ही जीत मिलती थी
और विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। अर्थात पार्टी तो थी लेकिन उसको ऐसा यानी विपक्ष की भूमिका के लिए भी नहीं जिम्मेवार ठहरा गया था क्योंकि उसके इतने मत नहीं आते थे, लेकिन बाद में ऐसी स्थिति नहीं थी। और तीसरी जो लोकतंत्र की हमारी विशेषता है वे है हमारी कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। इसका मीनिंग है कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। कि प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में एक व्यक्ति को एक ही वोट डालने का अधिकार होगा और उसका जो वैल्यू है, उसका जो मोल है, उसकी जो कीमत है वे भी समान होगी। अर्थात चाहे देश में बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति हो, धनवान व्यक्ति हो, या देश में कोई गरीब व्यक्ति हो, उनको एक ही मत देने का अधिकार है और उस मत की कीमत या मोल समान है। चाहे देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उसको भी एक मत का अधिकार है और एक ही मत दे सकता है और उसके मत की भी मोल और कीमत वही है जो एक मजदूर की है, जो किसकी है, एक मजदूर की है, उसके समान ही है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति को एक मत। लेकिन इसमें भी कुछ या कुछ दिए गए से विशेषता, जैसे सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। सऊदी अरब जो है उसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में सबको मत देने का अधिकार है। दूसरा, एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। कि एस्टोनिया जो देश है उसमें रूसी जो कि संख्या में अल्पसंख्यक है उसको वोट देने के लिए बड़ी कठिनाइयां होती है। तीसरा, फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों को वोट से ज़्यादा है। यानी फिजी की अगर जो फिजी एक देश है उसकी चुनाव प्रणाली को अगर हम समझते हैं तो वहाँ के जो मूल निवासी है फिजी के उनको तो वोट देने का महत्व अधिक है, लेकिन फिजी में अगर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जाके रह रहा है उसके वोट की इतनी कीमत नहीं है। तो इससे क्या हुआ, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। कि ये नहीं है कि गरीब व्यक्ति का वोटों की मूल्य नहीं होगा और अमीर की होगी, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, हमारे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या विशेषता है, कानून का राज और अधिकारों का आदर। यानी कानून की शासन व्यवस्था होगी, कानून की दृष्टि से चाहे देश में गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे व्यक्ति अल्पसंख्यक हो से बहुसंख्यक हो, या हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, कानून के समक्ष सभी लोग समान है। ये नहीं है कि कानून की दृष्टि से भेदभाव किया जाएगा, ऐसा नहीं है। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। अब देखिए, अगर आपके प्रश्न आता है जिम्बाब्वे अल्पसंख्यकों से कब मुक्त हुआ, कब स्वतंत्र हुआ, सन 1980 में। कब हुआ, सन 1980 में जो जिम्बाब्वे के जो नागरिक थे वह गोरे के शासन, गोरे का मतलब श्वेत और श्वेत का मतलब अंग्रेज, अर्थात जिम्बाब्वे में भी अंग्रेजों का शासन था और जिम्बाब्वे जो देश है 1980 में वहां स्वतंत्र हुआ। उसके बाद देश पर जान पीएफ दल का राज है जिसने देश की स्वतंत्र संघर्ष की अगुवाई भी की थी। जैसे हमारे भारत देश की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस ने और कांग्रेस के साथ पूरे भारत के लोगों ने साथ में एक साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद कराया, ऐसे जिम्बाब्वे में पीएफए दल कर के राज ने वहाँ देश को स्वतंत्र कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई और उसके बाद में वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है और ताना जो शासन है उसको खत्म कर दिया। अगर हम परिभाषाओं का सारांश देखते हैं तो परिभाषाओं का अगर सारांश देखते हैं
तो लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, जो शासक चुने जाते हैं उनका चुनाव कौन करती है? जनता करती है। कौन करती है? जनता। इससे पहले तुमने पढ़ी थी, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है, अर्थात जो किसी देश के नियम बने उन नियमों के अनुसार शासन व्यवस्था चलती है। अब हम देखते हैं कि लोकतंत्री क्यों, हमें लोकतंत्र शासन ही क्यों होना चाहिए, दूसरा क्यों नहीं होना चाहिए। हमें लोकतंत्र शासन इसलिए होना चाहिए कि लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था है वे राजतंत्र शासन और तानाशाही शासन से अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वतंत्र होता है, गरीब व्यक्ति भी चुनाव में भाग ले सकता है, अमीर व्यक्ति भी ले सकता है, हर व्यक्ति को मत का अधिकार होता है, शासक बनने का अधिकार होता है, तो इसलिए लोकतंत्र शासन व्यवस्था में ये है। लेकिन राजतंत्र शासन और तानाशाही शासन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि तानाशाही में तो राजा जो तानाशाही है वे मनमानी करता है, और राजतंत्र में राजा के बाद उसका पुत्र और उसके बाद उसका पुत्र ही राजा बनता है, इसलिए ये ऐसी व्यवस्था केवल लोकतंत्र में है। अब लोकतंत्र के गुण के बारे में चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र के क्या गुण हैं या लोकतंत्र की क्या क्या चाहिए। तो लोकतंत्र के यही कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा शासन चुना जाता है, इसमें चुनाव होता है, निष्पक्ष चुनाव किया जाता है, और हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, शासक निर्वाचित होने का अधिकार है, ये सब लोकतंत्र के गुण हैं। फिर अगर हम देखते हैं लोकतंत्र के खिलाफ कि लोकतंत्र शासन अच्छा क्यों नहीं है, लोकतंत्र जो है वे शासन अच्छा क्यों नहीं है, लोकतंत्र के अगर हम खिलाफ तरफ देखते हैं कि खिलाफ यानी लोकतंत्र के विरुद्ध में, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते इसमें अस्थिरता बदलती है, ये इसकी बुराई है। अगर हम लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क देते हैं तो कहते हैं कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं क्योंकि हर नेता 5 साल के लिए चुना जाता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नियम है कि नियमित रूप से चुनाव हो और हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, इसलिए लोकतंत्र में जो शासक बनता है वे स्थायी नहीं होता, वह अस्थिर होता है, इसलिए शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है। दूसरा, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता का खेल है, इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं रहती। इसके कह रहा है कि लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था है ये केवल राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक सत्ता लेने के लिए की जाती है, इसमें नैतिकता का अभाव होता है। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और उसके सामने एक जवान बच्चा भी चुनाव लड़ रहा है, हो सकता है वे नाते में उसका भतीजा या बेटा लगता हो, तो इसका मतलब केवल चुनावी राजनीति हो रही है, प्रतियोगिता हो रही है, वह नैतिकता नहीं है। उसका भतीजा ये महसूस नहीं कर रहा कि इसकी कितनी उम्र है जो सामने वाला है, कि वे चुनाव उसके सामने चुनाव नहीं लड़े या उसको समर्थन दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वे कहता है कि आप भी चुनाव लड़ो, मैं भी चुनाव लड़ता हूं, तो इससे स्पष्ट होता है कि यह नैतिकता का अभाव है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले देरी से होते हैं, अर्थात इसलिए भी लोकतंत्र शासन सही है कि यह फैसले देरी से होते हैं। क्यों? मीटिंग का आयोजन किया जाता है, मीटिंग में डिस्कशन होता है, निर्णय लिया जाता है, तो उसमें निर्णय जो है बहुत देरी से आता है, इसलिए ये भी लोकतंत्र की एक बुराई है, अच्छा नहीं है। चुनाव चुने नेताओं का लोगों को हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले लेते हैं। कई बार क्या होता है कि चुने हुए प्रतिनिधि गलत फैसले ले लेते हैं, उनको ये नहीं पता कि स्थानीय क्षेत्र में किसकी समस्या है और उस समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए, इसलिए उनके द्वारा गलत फैसले ले लिए जाते हैं, तो इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है। और क्या है लोकतंत्र शासन के खिलाफ बुराइयां? लोकतंत्र में चुनावी लड़ाइयां महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है, अर्थात लोकतंत्र शासन में पैसे बहुत अधिक खर्च होते हैं, भ्रष्टाचार है चुनाव में, यानी कहीं पैसे का प्रयोग किया जाता है, कहीं अपराधियों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है ना, इस प्रकार की व्यवस्था होती है
जो गलत है, ऐसा नहीं है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। कहता कि सामान्य जनता शासन प्रणाली से बहुत दूर होती है, उसको नहीं पता कि देश में क्या चल रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। तो इसलिए आम व्यक्ति को शासन प्रणाली का ज्ञान नहीं होता, इसलिए ये शासन प्रणाली अच्छी नहीं है। ये थे इसके। अब लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क हम देते हैं तो लोकतंत्र के पक्ष में ये है कि लोकतंत्र अच्छा कैसे है, कैसे ये शासन प्रणाली अच्छी है। लोकतंत्र सबसे अच्छी प्रणाली तो इसलिए है क्योंकि इसमें सब जनता को मत देने का अधिकार है, शासक निर्वाचित होने का अधिकार है, और शासन निर्वाचित होने के बाद में वे अपने सरकार चला सकता है। ये सब उसके लोकतंत्र के पक्ष में तर्क है। जैसे फर्स्ट है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरे से बेहतर है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दूसरे से बेहतर अच्छी क्यों है? क्योंकि यह शासन का अधिकार जवाबदेही वाला स्वरूप है, क्योंकि यह रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, जवाबदेही है। जबकि तानाशाही शासन में और राजतंत्र शासन में जवाबदेही सरकार नहीं होती, किसी भी आम जनता को राजा के सामने प्रश्न करने की हिम्मत नहीं होती कि राजा साहब हमारे इलाके में पानी की कमी है, सड़क की कमी है, बिजली की कमी है, नहीं कह सकता, क्योंकि राजा तक जाने में आदमी घबराता है, थर्राता है, उसको डर लगता है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ऐसा नहीं है। जिस नेता को उसने अपने मत के माध्यम से चुना है ना, उसको वे निष्पक्ष रूप से कह सकता है कि हमारे एरिया में इस चीज़ की कमी है, पानी बिजली की कमी है, आप पूर्ति कराओ, और भी कराएगा। ऐसे ही तानाशाही शासन नहीं कह सकता, क्योंकि तानाशाही शासन शासक है जो अपनी मनमानी करेगा ना। इस प्रकार से लोकतंत्र शासन प्रणाली अच्छी है। नेक्स्ट, इस प्रकार लोकतांत्रिक बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, इसमें निर्णय लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं। तीसरा, लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। अगर आपस में टकराव हो जाए, मतभेद हो जाए, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोग जिसको हम पंच बोलते हैं, पंच लोग, गांव के मुखिया लोग, बुजुर्ग लोग बैठकर निर्णय करते हैं और वे निर्णय सब समाज को मान्य होता है, तो ऐसी शासन प्रणाली किसमें? लोकतंत्र में। लेकिन ऐसी राजतंत्र शासन और तानाशाही शासन में नहीं है। ऐसे ही लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से हर व्यक्ति अपने आप में एक रेस्पेक्टफुल समझता है, एक मान सम्मान समझता है। लेकिन ऐसे राजतंत्र शासन में और आपके नहीं मिलता। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरे से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। अगर मान ले कोई गलती होगी तो उस गलती को सुधार करने के लिए हम दोबारा मीटिंग का आयोजन कर सकते हैं, मीटिंग को बुला सकते हैं, और मीटिंग को बुलाकर उसमें सुधार किया जा सकता है। ऐसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजतंत्र और तानाशाही में नहीं है। इसलिए इन कारणों से हम कह सकते हैं कि हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अन्य शासन प्रणाली से अच्छी है। तो ये लोकतंत्र का के बारे में पक्ष और विपक्ष में तर्क हुई और इसकी परिभाषा हुई। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र जो सरकार है, लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है, जो अन्य शासन व्यवस्था से अच्छी है। तो ये था एक संक्षिप्त परिचय हमारा इस चैप्टर के बारे में। आपको मोस्टली इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, एक लोकतंत्र की परिभाषा, इसके पीछे देखो प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों को आप कोशिश करना सॉल्यूशन करने के लिए। अगर कोई भी समस्या हो तो आप बताना, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट इसमें क्या है इस चैप्टर में, कि लोकतंत्र की परिभाषा, कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की क्या विशेषता है, उस लोकतंत्र के पक्ष में तर्क और विपक्ष में क्या तर्क है, ये आपको पढ़ना है। और एग्जाम की दृष्टि से ये बिंदु आपके महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र की विशेषता, लोकतंत्र की विशेषता कैसे, लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र के सिद्धांत,
लोकतंत्र के पक्ष में तर्क और लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क, और इनके माध्यम से हम इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझते हैं। ओके, थैंक यू।